सनसनी। हॉरर किलिंग का आखिरी वीडियो और मर्डर पर राजनीति का घिनौना खेल। मुझे किसी मुसलमान से कोई नफरत नहीं। ये 100 करोड़ हिंदुओं को कब तक खाते रहोगे? खून से लिखी लव स्टोरी। ए मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। मोहब्बत न उम्र की मोहताज होती है और ना ही ये जाति और मजहब की दीवार को मानती है। मोहब्बत तो दो दिलों को जोड़ती है। दिल्ली के रहने वाले अंकित और सलीमा भी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो दोनों साथ जीना चाहते थे, लेकिन मोहब्बत के दुश्मनों ने छीन ली अंकित की जिंदगी। दिल्ली में हो इस हॉरर किलिंग का एक शर्मनाक पहलू भी है, वो ये कि अब राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गई है अंकित और सलीमा की अधूरी लव स्टोरी। पहरे में तड़पता रहा प्यार, कई बार उसके पेरेंट्स ने मारा पीटा उसे, आवाजें आई है सबके सामने, बहुत बुरा करते थे उसके साथ, कहीं आने जाना ना देना, उसके साथ साथ जाना हर जगह, लगता था कि लड़की को प्रॉब्लम है। और अभी भी वो यही कह रही है कि मुझे अपनी फैमिली से डर है। मोहब्बत में चली गई जान। मेरे बेटे का गला काट दिया, बचानो कोई, मेरे बेटे का गला काट दिया। ये कहते कहते मैं रिक्शे में, हम दोनों जा रहे हैं, ये भी रो रही है कि गला काट दिया, वही तो बचाओ। हॉस्पिटल में पहुंच के मैं रोया चीखा, मैंने कहा कोई सुन लो, मेरे बेटे को बचा लो। सलीमा और अंकित की लव स्टोरी पर राजनीति क्यों? मुझे किसी मुसलमान से कोई नफरत नहीं। अरे भाई साहब, कुछ तो शर्म करो। ये 100 करोड़ हिंदुओं को कब तक खाते रहोगे? मैं समझता हूँ कि इस परिवार को भी 1 करोड़ का मुआवजा मिले, ताकि ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा रह सके। मजहब की मारी मोहब्बत। तो जब से मिले तो से नैना, जब से मिले। मोहब्बत की ये वो कहानी है जिसके खौफनाक अंजाम ने हर किसी को थर्रा दिया है। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में रहने वाला 23 साल का अंकित, जिस सलीमा के साथ ताउम्र जीना चाहता था, झूठी शान के नाम पर उसी सलीमा के घर वालों ने उसका खून कर दिया। मजहब के सामने मोहब्बत हार गई और अब अंकित के कत्ल के बाद दो दिलों की इस लव स्टोरी पर शुरू हो गई है राजनीति। मुझे किसी मुसलमान से कोई नफरत नहीं। अरे भाई साहब, कुछ तो शर्म करो। ये 100 करोड़ हिंदुओं को कब तक खाते रहोगे आप? मैं समझता हूँ कि इस परिवार को भी 1 करोड़ का मुआवजा मिले, ताकि ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा रह सके। ऐसा लगता है कि मरने वाले की धर्म और मरने वाले का जात देख के अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते हैं कि बोलना है कि नहीं बोलना है, मुआवजा देना है कि नहीं देना है। बजरंग दल के कुछ लोगों ने मुझे धमकाया कि दुकान खाली करवाओ मुसलमान से, नहीं तो हम तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे। अंकित की हत्या के बाद कुछ नेता मोहब्बत की इस अधूरी कहानी को हिंदू और मुसलमान का रंग दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? प्यार तो लोगों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, तो फिर क्यों इस कहानी पर अब नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है? कौन है वो लोग जो अंकित और सलीमा की लव स्टोरी पर राजनीति कर रहे हैं? सनसनी में हम मजहब से हारी एक पाक मोहब्बत पर नापाक राजनीति की ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अंकित की जिंदगी का ये आखिरी वीडियो। सीसीटीवी की ये तस्वीरें 1 फरवरी की रात की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंकित सड़क के किनारे बेसब्री से टहल रहा है। सलीमा के घर वालों ने जिस जगह उसका खून किया था उससे थोड़ी ही दूर ये जगह है, जहां रात 8:05 पर अंकित फोन पर किसी से बातें कर रहा था। अंकित के अंदाज को देखकर लग रहा है मानो उसे किसी का इंतजार हो। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो सलीमा से ही बातें कर रहा था, और इसके थोड़ी ही देर बाद सलीमा के घर वालों ने अंकित की जान ले ली। अंकित का ये आखिरी वीडियो अब उसकी जिंदगी की आखिरी निशानी बनकर रह गया है।
वो जिंदगी जिसके हर पन्ने पर लिखा था सलीमा का नाम। तो जब से मिले खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने। अंकित सलीमा को जितनी शिद्दत से प्यार करता था, सलीमा भी उसे उतना ही चाहती थी। सलीमा जो प्यार में अकेले जी नहीं सकती थी, जिसने अपनी रूह को अंकित के नाम कर दिया था, जो अंकित के साथ एक दरिया की तरह बहना चाहती थी, जीना चाहती थी। वो इसी घर में अपने माँ बाप के साथ रहती थी, लेकिन किस तरह, किस हाल में, जरा सुनिए सलीमा की यह कहानी उसके पड़ोसियों की जुबानी, जिन्होंने इस घर में सलीमा की चीखें सुनी हैं, जिनके कानों तक सलीमा के आंसुओं की टूटती आवाज पहुंची है, जिन्होंने इसी बंद कमरे के अंदर सलीमा के घुटते ख्वाबों को देखा है। आपको कभी लगा, अगर आपकी कभी शहजादी से बात हुई, या तो कभी लगा उस पे किसी तरह का प्रेशर है या दबाव है, या घर वालों से तनाव रहता था उसका? उसके कई बार उसके पेरेंट्स से मारा पीटा उसे, आवाजें आई है सबके सामने, बहुत बुरा करते थे उसके साथ, जैसे कि कुछ भी ले लो, फोन को लेके बवाल उठा देना घर में, इस तरीके का उसके साथ होता था। ये सब बंद रखते थे उसको, कहीं आने जाना नहीं देना, उसके साथ साथ जाना हर जगह, लगता था कि लड़की को प्रॉब्लम है। और अभी भी वो यही कह रही है कि मुझे अपनी फैमिली से डर है, और सच में है, क्योंकि वो बहुत कट्टर है, उसे मार देंगे। सलीमा, जिसे उसके पड़ोसी शहजादी के नाम से जानते हैं, उनकी ये बातें किसी को भी चौंका सकती हैं। पड़ोसियों की माने तो सलीमा के घर वालों ने उसके प्यार पर पहरा बिठा दिया था। एक गैर मजहब के लड़के से सलीमा की यह मोहब्बत उन्हें कबूल नहीं थी, लेकिन तमाम बंदिशों के बाद भी सलीमा के जिस्म में मोहब्बत का साज गूंजता रहा। वो अंकित से मिलती रही। सलीमा जानती थी मोहब्बत न मंदिर की आरती है और न किसी मंदिर में अदा की हुई नमाज, लेकिन 18 साल की छोटी सी उम्र में जो बात वो समझ गई, वही बात उसके माँ बाप समझ नहीं पाए। उन्होंने सलीमा की मोहब्बत, उसके प्यार, उसके अंकित का खून कर दिया, और अब इसी खूनी खेल पर सलीमा के पड़ोसी भी सन्न हैं। वो इतना पास में रहती थी हमारे, बट वो कभी भी ना, मतलब आई कांटेक्ट होता था, बट वो किसी चीज़ पर रिस्पॉन्स नहीं करती थी। जैसे हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, वो तुरंत अंदर घर में चले जाना, बहुत रेयर, मतलब मैंने उसको कभी देखा ही नहीं कि वो हमें कभी रिस्पॉन्स करते। इवन पेरेंट्स तो बोल देते थे बात करना, कभी जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो हंसी मजाक कर रहे थे, पर लड़की नहीं, वो बिल्कुल शांत अंदर चल जाती थी। वो उस गेट से लेके इस गेट तक वो अंदर ही रहती थी, बहुत रेयर निकलती थी। इश्क न कोई जंग है, न कोई जीत, न ये हुनर है, न ये इनाम है, न ये रहम है, न ये दान है। तो से नैना, जब से मिले। लेकिन इसके बाद भी मजहब के आगे सलीमा और अंकित की मोहब्बत हार गई। अंकित को बेरहमी से मार डाला गया। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद एबीपी न्यूज की टीम उस जगह पर भी गई जहां सलीमा की मां शहनाज ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ये वही ब्यूटी पार्लर है जहां सलीमा अक्सर आती जाती रहती थी, लेकिन अब ये बंद है। मकान मालिक ने सलीमा के परिवार वालों के खूनी खेल के बाद ये जगह खाली करा ली है, और वजह है इस घटना को हिंदू और मुसलमानों की नजरों से देखने वाले लोगों की धमकी। बजरंग दल के कुछ लोगों ने मुझे धमकाया कि दुकान खाली करवाओ मुसलमान से, नहीं तो हम तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे। अब मेरे पास एक यही छोटा मोटा जरिया है, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरे पास कोई इतना बड़ा बिजनेस तो है नहीं। एक ये दुकान का किराया और थोड़ा फैक्ट्री का जो भी आता था, उनसे मैं अपना घर का खर्चा चलाता हूँ। मैंने कहा अब यही मेरा जरिया ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या नाम से, इस चक्कर में मैंने दुकान खुद ही क्या नाम से खाली करवाई, और जो सामान था उसकी बड़ी वाली बहन के घर, वहां मैंने पहुंचवा दिया। इश्क एक खुशबू है, मगर इस खुशबू की पहचान नहीं। दर्द, दिलासे, शक, विश्वास, जुनून और होशो हवास के एक एहसास की कोख से पैदा हुआ यह सबसे पहले प्यार का एहसास है। यह संबंध है दिलों का, पहचानों का। यह रूह से पैदा होता है, बढ़ता है ख्वाबों के सहारे। लेकिन अब सलीमा और अंकित की इस मोहब्बत को हिंदू और मुसलमान के खेमों में बांटा जा रहा है। लेकिन क्यों? मोहब्बत में अंकित की जान चली गई। जिन्होंने उसे मारा,
अपनी झूठी शान की खातिर मारा है। वही अंकित के गुनाहगार हैं, वही सलीमा के गुनाहगार हैं। तो फिर क्यों अब इस पर राजनीति की जा रही है, क्यों मजहबी उन्माद की चिंगारी चलाई जा रही है? दुकान खाली करवानी कौन है, उसकी बहन आई थी शहनाज की? उसकी बहन नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ पे बजरंग दल के कुछ बंदे इकट्ठा थे, उनके डर की वजह से वो घर से निकल ही नहीं रहे। घर वाले मतलब कैद हुए पड़े हैं अपने घर में, वो डर के मारे निकल ही नहीं रहे। हम खुद ही सामान के नाम से भर के ले गए थे। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर नफरत को हवा दी जा रही है। एक जघन्य वारदात को हिंदू और मुसलमान से जोड़कर देखा जा रहा है। आशंकाओं के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और इसलिए पूरे इलाके को एक तरह से पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। सरेआम हुई इस वारदात के बाद इलाके में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अंकित की हत्या को एक दूसरे समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया है, इसलिए पुलिस किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। आप देख सकते हैं जो घटना स्थल है वहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। 3 कंपनी सीआरपीएफ की अंकित और जो घटनास्थल है उसके आसपास लगाई है। साथ ही आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं घटनास्थल के आसपास की वो भी बंद है। कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकान को खोला है, लेकिन कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान को अभी भी बंद रखा हुआ है। अंकित की हत्या के बाद इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, तनाव है, लेकिन हालात नियंत्रण में है। अंकित के बेमौत मारे जाने के बाद उसके घर में मातम पसरा है, तो उसके दोस्त भी बेहद दुखी हैं। हर किसी को अंकित याद आ रहा है। अंकित के साथ आप लोग नवयुवा मंडल में थे, किस तरह का काम करते थे? अंकित को कितना जानते थे आप लोग? अंकित को हम लोग जानते थे, 2-3 साल से हमारे साथ रहता था अंकित, सर्कल में हर चीज़ में साथ होता था हमारे साथ। कहीं प्रोग्राम्स हम करते थे हमारे अपने, जैसे हम गणपति प्रोग्राम करते थे और भी हमारे अपने अपने कार्यक्रम होते थे, वो हमारे साथ भाग लेता था वो लड़का। और हमारे स्पोर्टिंग में भी बहुत रहता था, हर कोई बात होती थी, सबके साथ खड़े होना, उसने मिलकर रहना, ऐसी कोई वो चीज़ नहीं थी। अब ये हिस्सा का हमें नहीं पता था कि क्या हो गया उसके साथ। अगर हम लोगों को भी अगर ये चीज़ के बारे में पता होता तो हम लोग उसके साथ हम बिल्कुल स्पोर्ट के लिए खड़े होते, बट हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। हम तो बस जस्टिस ही चाहते हैं, हमें तो बस सपोर्ट चाहिए उसके लिए, हमें फांसी की सज़ा चाहिए, बस सारी बात यही है। हमें कोई उम्र कैद नहीं, कोई थोड़े साल की सज़ा नहीं, हमें बस फांसी की सज़ा चाहिए कि जो है उसके साथ गलत हुआ है बस। बता, तुम्हारे ग्रुप का एक हिस्से है ना, चाहे उस माँ पर क्या बीती है जिसका बच्चा उन्होंने उड़ा दिया, उस माँ क्या कह सकती है, उसके अंदर अंदर क्या हो जाए, उसका बाप क्या कहता है कि कैसे उन्होंने लोगों ने उसको सरे आम ऑन द स्पॉट जो मार दिया, इतना उसके अंदर, इतना इनों के अंदर वो है कि ऑन द स्पॉट ही बंदे को मार देंगे। अंकित के दोस्तों का कहना है कि वो एक जिंदा दिल लड़का था, यारों का सच्चा यार, दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार। अंकित के दोस्तों को यह तो नहीं मालूम कि सलीमा के साथ उसकी मोहब्बत कितनी पुरानी थी, लेकिन अंकित को खोने के बाद वो सब के सब मातम में डूबे हुए हैं। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे अंकित के खौफनाक मर्डर के बाद अब किस हाल में है उसकी मोहब्बत सलीमा। हॉरर किलिंग का आखिरी वीडियो और मर्डर पर राजनीति का घिनौना खेल। मुझे किसी मुसलमान से कोई नफरत नहीं। ये 100 करोड़ हिंदुओं को कब तक खाते रहोगे? खून से लिखी लव स्टोरी। अंकित और सलीमा, ये नाम है मोहब्बत के उन मुसाफिरों का जिन्हें उनकी मंजिल नहीं मिली। झूठी शान के नाम पर सलीमा के घर वालों ने अंकित को मौत के घाट उतार दिया। अपने प्यार अंकित को खो चुकी सलीमा को भी घर वालों से ही अपनी जान का डर है। खौफ के साए में जी रही सलीमा अब अपनी बेरंग और तनहा जिंदगी पर बहा रही है आंसू। पहरे में तड़पता रहा प्यार, कई बार उसके पेरेंट्स से मारा पीटा उसे, आवाजें आई है सबके सामने, बहुत बुरा करते थे उसके साथ, कहीं आने जाना न देना, उसके साथ साथ जाना हर जगह, लगता था कि लड़की को प्रॉब्लम है। और अभी भी वो यही कह रही है कि मुझे अपनी फैमिली से डर है। मोहब्बत में चली गई जान, मेरे बेटे का गला काट दिया, बचा लो कोई, मेरे बेटे का गला काट दिया। ये कहते कहते मैं रिक्शे में, हम दोनों जा रहे हैं, ये भी रो रही है कि गला काट दिया, बचाओ।
हॉस्पिटल में पहुंच के मैं रोया चीखा, मैंने कहा कोई सुन लो मेरे बेटे को बचा लो। सलीमा और अंकित की लव स्टोरी पर राजनीति क्यों? मुझे किसी मुसलमान से कोई नफरत नहीं। अरे भाई साहब कुछ तो शर्म करो, ये 100 करोड़ हिंदुओं को कब तक खाते रहोगे? मैं समझता हूँ कि इस परिवार को भी 1 करोड़ का मुआवजा मिले ताकि ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा रह सके। मजहब की मारी मोहब्बत तो जब से मिले। जिस अंकित को सलीमा ने दिलो जान से चाहा था उसी अंकित को उसके घर वालों ने बेरहमी से मार डाला। सीसीटीवी में कैद ये वीडियो उसी दिन का है, उन्हीं पलों का है जब सलीमा के घर वाले अंकित की जान ले रहे थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं लोगों की नजर उस तरफ है जहां अंकित को मारा जा रहा था। तब दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद सलीमा ने जो कुछ बताया था वो उसकी दहशत की कहानी ही बयान कर रही थी। मैं अपने घर से अंकित को मिलने जा रही थी, इतने में नीशु आया, उससे मुझे पता चला कि उसको अंकित का गला काट दिया और उसमें कह रहे मेरे घर वाले इंक्लूडेड हैं, मेरे मामा ने ये सब करा है। अंकित कौन लगता है आपको? हम लोग शादी करने वाले थे। तो आपको किससे डर रहा है? किससे डर रहा है आपको? मुझे मेरे घर वाले डर रहे हैं कि मैं बाप का गला। और जो अंकित का मतलब मारा है वो किन्होंने मारा है? मैं उस टाइम थी नहीं घटना पे, पर जैसे सब बता रहे हैं उस टाइम मेरे घर वाले वहाँ पे थे। मतलब किस चीज़ से मारा गया उनको कुछ पता चला आपको? अंकित के कत्ल के बाद खौफ से घिरी सलीमा को अपनी मौत का डर सता रहा था। उसे लग रहा था कि उसके परिवार वाले उसकी भी जान ले लेंगे और इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से सलीमा को नारी निकेतन भेज दिया गया है। दिल्ली के हरिनगर इलाके के इसी नारी निकेतन में सलीमा को रखा गया है। दरअसल शनिवार को जब दिल्ली पुलिस ने सलीमा से बात की तो उसने अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ जाने से इनकार कर दिया। मामले की संवेदनशीलता और सलीमा की सुरक्षा को देखकर भी दिल्ली पुलिस ने फैसला किया कि उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जब सलीमा को पेश किया तो उसने इस बात से साफ इनकार किया कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ जाना चाहती है, जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने सलीमा को इस नारी निकेतन भेज दिया। सूत्र बताते हैं कि शाम को जब सलीमा को यहाँ पर लाया गया उसके बाद से ही वो बेहद चुप है, किसी से बात नहीं कर रही, ना ही उसने ठीक से खाना खाया है। इतना समय बीत जाने के बाद कोई रिश्तेदार भी नारी निकेतन में अभी तक सलीमा से मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। सलीमा नारी निकेतन में अपनी बेरंग जिंदगी पर आंसू बहा रही है। प्यार के जितने सपने थे वो सब एक साथ ही टूट गए, रह गई तो बिखरी सी जिंदगी। अंकित की हत्या के बाद वो भारी सदमे में है और यही हाल अंकित के परिवार वालों का भी है। अंकित की हत्या के बाद उनके घर पर नेताओं का आना जाना लगा है, लेकिन नेताओं के आने जाने को समझने के लिए बस इतना ही काफी है कि मोहब्बत की इस अधूरी कहानी पर अब राजनीति की जा रही है। अरे भाई साहब कुछ तो शर्म करो, ये 100 करोड़ हिंदुओं को कब तक खाते रहोगे? ऐसा लगता है कि मरने वाले की धर्म और मरने वाले का जात देख के अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते हैं कि बोलना है कि नहीं बोलना है, मुआवजा देना है कि नहीं देना है। इसकी मैं निंदा करता हूं और मैं ये मांग करता हूं कि अंकित सक्सेना, वो भी दिल्ली का लड़का है, और तुषार, दोनों के परिवारों से मिलने के लिए जाए मुख्यमंत्री तुरंत और 1 करोड़ का मुआवजा उनके परिवारों को दिया जाए। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को भी एक बार आना चाहिए और जो उस परिवार को एक सहायता राशि ही मुआवजा होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि इस परिवार को भी 1 करोड़ का मुआवजा मिले ताकि ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा रह सके। राजनेताओं के लिए अंकित की हत्या एक ऐसा मुद्दा है जिसे वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंकित के पिता ने समझदारी दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि उनके बेटे की मोहब्बत और हत्या की घटना को मजहब से जोड़ कर ना देखा जाए। मुझे किसी मुसलमान से कोई नफरत नहीं है, किसी इस कौम से या किसी कौम से कोई नफरत नहीं है। इत्तफाक भगवान ना करे अगर कभी ऐसा मसला होता
कि इस लड़की से लड़का कभी कहता है कि करनी है या किसी भी मुसलमान से या ईसाई से या सिख से या किसी भी दूसरे समुदाय से लड़की अगर मेरा लड़का कुछ करने को कहता तो भाई हम अपने परिवार से सब में सम्मिलित होकर विचार करते, अगर बनता तो मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता। अंकित के घर वालों की मांग है कि जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा है, उसकी हत्या की है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और यही मांग अंकित के पड़ोसियों की भी है, जिनके लिए अंकित की पहचान एक मिलनसार और नेक लड़के की थी। एक नेक इंसान की हत्या का दुख आपको और हमको भी होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, इसे किसी धर्म के चश्मे से ना देखें, इसे देखें तो सिर्फ समझदारी और विवेक के चश्मे से, और हो सके तो इस सवाल का जवाब भी जरूर ढूंढें कि जाति, धर्म और झूठी शान के नाम पर आखिर कब तक प्रेमी जोड़ों का खून यूं ही बहता रहेगा। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन के साथ अंजलि सिंह और वरुण जैन की रिपोर्ट। सनसनी आपकी मददगार है, आपके साथ है सनसनी। अगर कोई गुनाह या गुनहगार आपकी दहलीज पर दस्तक देता है तो आप चुप मत बैठे, अपना फोन उठाएं और सनसनी के हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही, आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।